सो हेलो आईडियर स्टूडेंट्स तो आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास एट्थ क्लास नाइन्थ का एनसीआरटी uh, मैथ जिसमें लास्ट एक्सरसाइज है मेक श्योर sure आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा अगर नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दो देखो वन पॉइंट फोर तक तो हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया आई होप आप सभी ने उसको देखा भी होगा वन पॉइंट फाइव में जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉर्मूले पर बेस्ड है इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे जो कि मैं पहले आपको फॉर्मूले बता दे रही हूँ उसके बाद हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे अब देखो मैं रफली बता रही हूँ लिख लो आप चाहे तो नोट डाउन कर लो फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर आपका बेस सेम है लाइक like ए की पावर एम है इन टू ए की पावर एन है सो बेस सेम है ना ए ए तो हमें पावर एड हो जाएगी एम प्लस एन हो जाएगा राइट right? अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था सेकेंड फॉर्मूला है अगर ए की पावर एम है डिवाइड है बीच में और A की पावर एन है सो so आपको क्या करना है सब्रेक्शन हो जाता है एम माइनस एन हो जाता है सो एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हमें पावर सेम होती है बस बेस डिफरेंट होता है ए की पावर एम और इन टू बी की पावर एम होती है तो हम क्या करते हैं ए इंटू बी कर देते हैं और पावर सेम है तो वही रह जाएगा ठीक है लास्ट फॉर्मूला और है अगर ए है ए की पावर एम है एंड ब्रैकेट उसके बाद एक और उस पर पावर लिखी है तो बस दोनों का सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ये सो so मैंने रफली आइडिया दे दिया है आप चाहे तो एक्सरसाइज में एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल जो गिवन है ना वहाँ से फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं आई होप आपको ये क्लियर हो तो चलो आप कर लेते हैं क्वेश्चन बहुत ही आसान है बस ध्यान से देखते जाओ ठीक है वीडियो को लाइक कर दो सो so, देखो सबसे पहले क्या करना है देखो सिक्सटी फोर है इसकी पावर वन बाई टू है तो हम क्या करेंगे मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था ए की पावर एम है और उसकी पावर एन है सो क्या हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा इस फॉर्मूले का यूज़ इसमें होगा उससे पहले हमें सिक्सटी फोर को प्राइम फैक्टराइज करना है अब देखो सिक्सटी फोर को प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे यहाँ पे मैं ऐसे ही करके बता रही हूँ आप चाहे तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं देखो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट टू ज़ा सिक्सटीन सिक्सटीन टू ज़ा थर्टी टू होता है थर्टी टू टू ज़ा सिक्सटी फोर होता है सो so, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना तो टू की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी सिक्स हो जाएगी टू की पावर सिक्स हो गई ना अब बस यहाँ पे सिक्सटी फोर की जगह हम लिखेंगे टू की पावर सिक्स और इसकी पावर हम क्या लिख देंगे वन बाई टू अब वन बाई टू क्या मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला यूज होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टू की पावर सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई टू अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो टू से ये डिवाइड हो जाएगा थ्री तो हमारे पास आंसर क्या आया टू की पावर थ्री दैट इज एट है ना आसान ये फॉर्मूला इसमें यूज हुआ सेकेंड क्वेश्चन है थर्टी टू की पावर वन बाई टू थर्टी टू की पावर वन बाई टू अगेन देखो इसमें टू की पावर क्या हो जाएगी टू टू जै फोर टू जै एट टू जै सिक्सटीन टू जै थर्टी टू तो टू की पावर फाइव होने वाली है इसमें सो हम क्या लिखेंगे टू की पावर फाइव और इसकी पावर वन बाई टू अब देखो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यही फॉर्मूला इसमें भी यूज होने वाला है सो so, टू की पावर हमें क्या हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई वन बाई टू दैट इज टू की पावर फाइव फाइव वन जो फाइव फाइव बाई टू ठीक है एक सेकेंड मैंने यहां पे फाइव लिखना था करेक्ट करना है ना अब यहां पे फाइव बाई फाइव हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो हमारे आंसर टू की पावर वन हो जाएगी ठीक है मुझे फ़ोन में जूम इन नहीं किया था जूम इन करके देखा तो ये फाइव है ठीक है तो कोई नहीं छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है वन ट्वेंटी फाइव की पावर वन बाई थ्री अब देखो वन ट्वेंटी फाइव कैसे बनेगा अगर हम फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव लिखते हैं फाइव फाइव जी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव वन हंड्रेड फाइव होता है तो ये फाइव की पावर थ्री हो गई ठीक है ये समझाने के लिए बता दिया अब इसको कैसे लिखेंगे फाइव की पावर थ्री और इसकी पावर वन बाई थ्री अब क्या करेंगे फाइव की पावर थ्री मल्टीप्लाई वन बाई थ्री थ्री से थ्री डिवाइड हो जाएगा हमारे पास आंसर फाइव की पावर वन दैट इज फाइव सो इतना आसान था क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इसमें भी हमें फाइंड ही करना है तो नाइन की पावर थ्री बाई टू है ठीक है नाइन की पावर क्या है थ्री बाई टू अब देखो क्या करना है इसमें पहले नाइन को फैक्टराइज कर लो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन कैसे लिखेंगे थ्री की पावर टू और यहाँ पे थ्री की पावर टू तो है हाँ ही है अब देखो टू से टू डिवाइड हो गया आंसर क्या आया थ्री की पावर थ्री थ्री की पावर थ्री मतलब ट्वेंटी सेवन आया समझ में सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ट सेकेंड क्वेश्चन है थर्टी टू टू की पावर फाइव अब कैसे लिखेंगे थर्टी टू को प्राइम फैक्ट्रेशन करो तो थर्टी टू को हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा टू की पावर फाइव लिखते हैं एंड इसकी पावर हमें थ्री टू बाई फाइव दिया ही है ऑलरेडी सो फाइव से फाइव डिवाइड आंसर आ जाएगा हमारा टू की पावर टू दैट इज फोर आ है समझ में क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे सिक्सटीन थ्री की पावर फोर अब देखो सिक्सटीन कैसे लिखते हैं टू का फोर पावर करोगे ना टू को फोर टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्सटीन ही आता है इतना आपको याद होना चाहिए टू की पावर फोर मल्टीप्लाई थ्री की पावर फोर फोर से फोर डिवाइड आंसर हमारा टू की पावर थ्री दैट इज एट है ना आसान लास्ट क्वेश्चन है जो कि वन बाई थ्री है ना तो वन ट्वेंटी फाइव की पावर माइनस वन थ्री है अब देखो ये माइनस है अब इसको कैसे करेंगे पहले वन ट्वेंटी फाइव को फैक्टराइज करो फाइव की पावर थ्री होती है वन ट्वेंटी फाइव और मल्टीप्लाई वन बाई थ्री है माइनस वन बाई थ्री है राइट right? पहले देखो थ्री से थ्री तो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास आंसर क्या आया फाइव की पावर माइनस वन हो सकता है ये आंसर आपके में नहीं गिवन हो तो हमें सिंपल क्या करना है फाइव की पावर माइनस वन है ना तो हमें उल्टा कर देना है वन बाई फाइव कर देना है तो ये प्लस में हो गई वन बाई फाइव की पावर वन हो गई ठीक है तो जब भी आपको माइनस में दिया है तो आप जस्ट ऑपोजिट कर दो फाइव के नीचे वन तो ही है ना वन ऊपर चला जाएगा है ना आसान क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का टू की पावर टू बाई थ्री एक सेकेंड जूम इन करूँ टू की पावर टू बाई थ्री इन टू इंटू टू की पावर वन बाई फाइव देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हमें ए की पावर एम गिवन है और ए की पावर एन गिवन है सो हम क्या लिखेंगे ए की पावर एम प्लस एन ठीक है मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है सो so यही करना है बेस सेम है तो हम बेस को भी इग्नोर करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर को प्लस करेंगे टू बाई थ्री प्लस वन बाई फाइव और किसकी पावर है टू ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पे प्लस कर लो फाइव और थ्री का एलसीएम ले लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो टेन प्लस थ्री अपॉन में फिफ्टीन कैसे आया फाइव और थ्री का एल्सियम फिफ्टीन होता है 3 से 15 को डिवाइड करोगे करोगे आएगा उस मल्टीप्लाई में तो टेन आएगा अगेन फाइव से फिफ्टीन को डिवाइड करना है थ्री आएगा उस थ्री का मल्टीप्लाई वन में करोगे तो थ्री आएगा ब्रैकेट क्लोज किसकी पावर है टू अब क्या करना है टेन प्लस थ्री थर्टीन अपॉन में फिफ्टीन और ये किसकी पावर है टू की ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का वन बाई थ्री की पावर थ्री एंड इसकी पावर सेवन दिया है सो so, ऐसे क्वेश्चन को क्या हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं अगर ये सेवन पावर है तो वन की पावर भी तो सेवन ही होगी ठीक है वन की पावर सेवन अपॉन थ्री की पावर थ्री और इसकी पावर सेवन राइट right. अब क्या करना है वन की पावर सेवन है तो वन ही आएगा लेकिन मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान दो 64 की पावर वन बाई टू जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था एक फॉर्मूला ए की पावर एम है और उसकी पावर एन है तो क्या हो जाएगा ए की पावर एम इन टू एन बताया था ना मैंने तो वही इसमें भी करना है थ्री सेवेंटर ट्वेंटी वन तो थ्री की पावर ट्वेंटी वन हो जाएगी राइट right? सो so, देखो ये भी हमारा आंसर सही है अगर आप चाहो तो अगर आपकी बुक में भी दूसरा दिया हो तो हम अगर ऊपर ले जाते ना थ्री ट्वेंटी वन को तो थ्री की पावर माइनस ट्वेंटी वन हो जाएगा मैंने बताया था पावर अगर माइनस है तो हम उसको ऑपोजिट कर सकते हैं प्लस माइनस करने के लिए सो so ये भी सही है और ये भी फॉर्मूला ये भी आंसर सही है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इलेवन की पावर वन बाई टू अपॉन में इलेवन की पावर वन बाई फोर अब ये वही वाला क्वेश्चन हो गया याद करो बेस सेम है पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है तो हम क्या करेंगे इसको सप्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इलेवन की पावर वन बाई टू माइनस वन बाई फोर हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखो इलेवन की पावर इसको सप्रे करेंगे पहले एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा हमारा फोर और टू का एलसीएम फोर ही होगा टू टू ज फोर टू माइनस वन और ये टू में से वन जाएगा वन तो इलेवन की पावर वन बाई फोर हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है इलेवन की पावर वन बाई फोर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया अगर ए की पावर एम है और ए की पावर एन है बेस एम है तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाता है राइट सो so, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर मैंने इसमें बताया आपको फॉर्मूला अगर हमें ए की पावर एम है और बी की पावर एम है पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे ए इंटू बी की पावर एम कर देंगे यही सेम चीज यहाँ पे करना है बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो बस सेवन इंटू एट की पावर वन बाई टू हो जाएगा आंसर सेवन एंड्रेट फिफ्टी सिक्स तो फिफ्टी सिक्स की पावर वन बाई टू हो जाएगी दैट्स इट तो सो so, यहाँ पे एंड होता है वन पॉइंट फाइव एक्सरसाइज एंड इसी के साथ चैप्टर वन भी एंड होता है आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करो एन anyway, वे मैं कंटिन्यू तो करूँगी ही uh, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर पे और ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ है ना तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बाय बाय